हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से बर्फी कैसे घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान वे में, अभी त्यौहार भी आ रहे हैं उसके लिए वो बताऊंगी। तो आप इस तरीके से एक बार ये बर्फी बना लेंगे ना तो सभी को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये होने वाली है कि आज मैं आपको इसको बिना गैस के बनाना बताऊंगी, बिना गैस जलाए कैसे हम घर में आसान वे में बना सकते हैं बर्फी वो बताऊंगी। तो मैंने जार लिया है, ये मैंने सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, इस टाइम मैंने 70 ग्राम के लगभग चीनी ली है। तो चीनी डालेंगे बहुत ही आसान से, केवल 3 से 4 चीज़ों से आप घर में ही बना सकते हो आसान वे में। और मैं आज आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके घर में आसानी से मिल भी जाएं। तो चीनी सभी के घर में मिल जाती है, तो 70 ग्राम के लगभग मैंने चीनी ले ली है। आप जितनी मिठाई बनाएं उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने, आप देख सकते हैं, नारियल का बुरादा लिया, डेसिग्रेटेड कोकोनट, ये फ्रेश वाला नहीं है, जो नॉर्मली पैकेट आता है ना डेसिग्रेटेड कोकोनट का, वही मैंने लिया है। कोकोनट का जो बुरादा होता है ना वो लिया मैंने 1.5 कप के लगभग। 1 कप चीनी लिया तो 1.5 कप मैंने इस तरीके से नारियल का बुरादा डाल लिया। तो इनको दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो अभी इसमें इलायची पाउडर डालकर पीस सकते हैं, बट इस टाइम मैंने इलायची पाउडर स्किप किया है क्योंकि नारियल की बर्फी में हम नारियल की खुशबू आने देंगे, वही ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। अगर आपको नारियल की खुशबू नहीं पसंद तो आप कोई भी बात नहीं है, आप नॉर्मली जो होता है इलायची पाउडर वो भी डाल सकते हो। ये मैंने लिया है थोड़ा सा मिल्क पाउडर, इसको दूध पाउडर भी बोलते हैं, इससे जो चाय बनाते हो ना घर में बिना दूध के, वही वाला ये मैंने पाउडर लिया है। तो ये ना केवल आपको, आप देख सकते हैं, मैंने 4 चम्मच के लगभग लिया है, छोटी वाली जो चम्मच होती है ना, 2 से 4 चम्मच के लगभग ये पाउडर ले लिया है। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पाउडर स्किप कर सकते हो आप, अगर आपके पास मावा है तो आप मावा डाल सकते हो पाउडर के अलावा, बट पाउडर से होता ही है कि थोड़ा सा ना आपको मावे जैसा फ्लेवर आ जाएगा। और मैंने लिया भी बहुत कम ही है, 2 से 4 चम्मच के लगभग इस तरीके से मैंने पाउडर ले लिया होगा। उसको सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, आप ये देख सकते हैं। और चीनी के बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है, बिल्कुल बारीक मैंने नारियल के बुरादे के साथ पीस लिया है। ये मैंने लिया है, आप ये देख सकते हैं, मलाई। मलाई इसको मैं ना क्रीम के लिए भी यूज़ करूँगी, मावे के लिए भी यूज़ करूँगी। ये आप इस तरीके से लोगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये मैंने मलाई ली है, तो मलाई अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मक्खन जैसा होता है ना, वैसा हो जाएगा इसका टेक्स्चर। तो अब इसको मैंने, आप देख सकते हैं, ये जो चाय वाला कप होता है ना, 1 कप ये मैंने मलाई ली है। तो मलाई को ही डालूंगी मैं इस टाइम, ना तो इसमें दूध डालूंगी ना पानी डालूंगी। तो इस मलाई को डालने के बाद अच्छी तरीके से आपको इसको मिक्स कर लेना है और इसका ना डो लगा के तैयार कर लेना। इतना ही केवल आपको सफिशियंट अमाउंट में मलाई का यूज़ करना है, यही आपके बिल्कुल डो लगा देगी आराम से। आपको इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, अच्छी तरीके से इसको मसल लेना है, मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे वे में मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसका आटा लगा के तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सफिशिएंट वे में मैंने केवल मलाई ली थी, उसी से मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके लगा दिया इस तरीके से डो। और ये मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, पन्नी। तो इस तरीके से आपको ये पन्नी ले लेनी है। ये मैंने नॉर्मली जो कवर चढ़ाते हैं ना कॉपी किताबों के, वही वाला मैंने कवर लिया है। कवर भी बोल सकते हो, पॉलीथीन भी बोल सकते हो, पन्नी भी बोल सकते हो और प्लास्टिक भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये ले लिया था। उसके बाद अच्छे तरीके से ये जो मैंने डो लिया ना उसको डाल दिया मैंने, और अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट कर लेंगे। तो दोनों हाथों के हेल्प से ना अच्छी तरीके से मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो आपको सभी साइड से अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना, और बिल्कुल इसको सेट वे में हम सेट कर लेंगे। बिल्कुल आपको देख सकते हैं मैंने स्क्वायर शेप में इसको सेट किया है। इसको सेट करने के बाद ना ऊपर से इसकी पॉलीथीन लगा देंगे इस तरीके से। मैं पॉलीथीन ही नॉर्मली बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कोई भी इसमें सिल्वर फॉयल पेपर का यूज़ नहीं किया है, नॉर्मली सी पन्नी ले ली है मैंने। तो आपको ये लेना ज़रूरी है। आप नॉर्मली कोई भी सब्जियां आती है तो बहुत सारी घर में पन्नियां तो होती है, ऐसा नहीं कि पन्नियों की कमी है घर में ना पन्नियां होती हैं सभी के। तो इस तरीके से भाई आपको पॉलीथीन ले लेनी है। इस तरीके से मैंने प्लास्टिक लिया है, तो इसको ना 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे हम, ताकि जो बर्फी है ना वो सेट हो सके अच्छे तरीके से। और ये देख सकते हैं आप कितने आसान में मैं इस तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हो। तो अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये सेट हो चुकी है अच्छी तरीके से। इसको ज़्यादा आपको सेट नहीं करना है, नॉर्मली इसको आप कट कर लेना है। ये अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तब भी आप बना सकते हो, बहुत ही सभी को अच्छी लगने वाली है, बिना घी के, बिना दूध के और बिना किसी भी वेस्ट चीज़ के आपको ये बना सकते हो आप आसान वे में। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बाहर से लानी हो, घर में आसानी से मिल जाती है। और नारियल का बुरादा ऐसी चीज़ है जो आपको आसानी से हर शॉप में मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी लास्ट लेयर को निकाल लेना है, लास्ट साइड की लेयर को काटते टाइम आप ये देख सकते हैं बिल्कुल आसान में कट रही है। और ये देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका टेक्स्चर है, तो मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो ये मैंने इसके किनारे निकाल लिए हैं, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ इसका टेक्स्चर है। और ये देख सकते हैं बर्फ़ी कितने आराम से टूट रही है। तो इस तरीके से ये बर्फ़ी आप बिल्कुल आसान वे में बहुत ही कम टाइम में, केवल ये 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। केवल इसको सेट होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम रखना पड़ता है।
नहीं तो ये आप आधे घंटे में बना के तैयार कर सकते हो बर्फ़ी। तो इस तरीके से अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी ये दिवाली ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिए। गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल हैं अभी, तो आप ये बना के तैयार कर सकते हो, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही कम खर्चे में इस तरीके से बर्फ़ी बन जाती है। सबसे अच्छी इसकी बेस्ट बात ये होती है कि आप इसको प्योर बना सकते हो बिल्कुल, ये बिल्कुल भी आप देख सकते हैं मार्केट में जो हम मिठाइयाँ डालते हैं नॉर्मली त्योहारों के टाइम तो मिलावटी आती ही हैं, चाहे आप कुछ भी कहिए। तो इस तरीके से आप घर में ही बना के तैयार कर सकते हो ये बर्फ़ी। तो ये जितनी दिखने में अच्छी लग रही है ना उसे कई ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। इस मिठाई को ना मैंने बहुत बार ट्राई किया है और हर बार इसका रिजल्ट हमेशा अमेजिंग ही आता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये मिठाई की रेसिपी को शेयर की है। तो इस बर्फ़ी को मैं सर्व भी कर लेती हूँ, आप बहुत ही आसानी में इसको तैयार करके बना सकते हैं। ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है घर में और बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाती है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी ईजी तरीके से आप इस बर्फ़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने रिलेटिव और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।